हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। क्या होता है ये, कितनी जनसंख्या पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, स्टाफ ऑफ CHC यानी इसमें कौन कौन से स्टाफ होते हैं तथा उनकी संख्या कितनी होती है, और फंक्शंस ऑफ CHC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के क्या क्या कार्य होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में पूरी डिटेल्स में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जन समुदाय तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं यानी स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज के मध्य प्रथम स्तर का संपर्क स्थापित करते हैं। यानी जो CHC होती है, ये स्पेशल जो हेल्थ सर्विसेज होती है और जन समुदाय के मध्य प्रथम स्तर का संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। यानी यह स्पेशल सर्विसेज प्रदान करता है। नेक्स्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 4 विशेषज्ञ चिकित्सक यानी 4 स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जो कि लोगों को मेडिसिन, जनरल सर्जरी, मेडिसिन मतलब जनरल जो भी डिसऑर्डर होते हैं उसमें आती है मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल एवं ऑब्स्टेट्रिकल केयर तथा पीडियाट्रिक सर्विसेज प्रदान करते हैं। यानी CHC पर 4 स्पेशल डॉक्टर होते हैं जो कि स्पेशल सर्विसेज प्रदान करते हैं, जैसे मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल केयर तथा पीडियाट्रिक सर्विसेज प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे अपन इसके स्टाफ की बात करेंगे, जब डॉक्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना, इसकी स्थापना कैसे होती है, क्या होती है, तो ठीक है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी जो एक CHC होती है 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या को कवर करता है। यानी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 80,000 से 1,20,000 की जनसंख्या को कवर करता है। मैदानी क्षेत्रों में यह संख्या 1,20,000 होती है। मैदानी क्षेत्र यानी धरातल वाले इलाकों में यह जो जनसंख्या होती है वहाँ ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। अर्बन एरियाज में तो 1,20,000 की जनसंख्या को एक CHC कवर करती है, जबकि पहाड़ी एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में यह संख्या 80,000 होती है। 80,000 जनसंख्या पर एक CHC होती है, ठीक है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 4 PHC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रेफरल यूनिट का कार्य भी करता है। यानी जो CHC होती है वह फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में भी कार्य करती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट किसे कहा जाता है, तो आपको नाम देना है CHC को या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को, ठीक है। तो एक CHC के अंदर क्या 4 PHC आती है यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, ठीक है, जहाँ से पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, ठीक है, यानी CHC में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ, अब बात कर लेते हैं स्टाफ ऑफ CHC के बारे में। जन समुदाय को उनकी आवश्यकता अनुसार पर भाई स्वास्थ्य देखभाल या सेवाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए CHC पर निम्न स्टाफ मौजूद होता है। स्टाफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, JNM हो या BSc नर्सिंग हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टाफ की बात कर लेते हैं, तो इसमें डॉक्टर रहेंगे कितने, 4 स्पेशल डॉक्टर्स रहते हैं। एक होता है फिजिशियन, जैसे मेडिसिन डॉक्टर होता है जनरल, ठीक है, उसके बाद जनरल सर्जरियन यानी जो जनरल सर्जरी करता है। नेक्स्ट, गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस यानी स्त्री तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट, पीडियाट्रिशियन यानी शिशु रोग विशेषज्ञ, यानी ये 4 डॉक्टर होते हैं, स्पेशल सर्विसेज प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, नर्सिंग स्टाफ जो होता है उनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है, जिसमें एक जो नर्स होती है वो नर्स ग्रेड फर्स्ट होती है और बाकी नर्स ग्रेड सेकंड तथा नर्स ग्रेड थर्ड होती है। नेक्स्ट, लैब टेक्नीशियन जिसकी संख्या 1 होती है, रेडियोग्राफर भी 1 होता है, फार्मासिस्ट भी 1 होता है, ड्रेसर भी 1 होता है, उसके अलावा नेक्स्ट धोबी 1 होता है, आया 1 होती है, चौकीदार 1 होता है, चपरासी 1 होता है, वार्ड बॉय 2 होते हैं, मेतर 3 होते हैं, अब मेतर तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है लेकिन 3 होते हैं, माली 1 होता है, ठीक है। टोटल कितना स्टाफ होता है, 25, ठीक है, परंतु ये कभी भी फिक्स नहीं रहता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का स्टाफ या किसी भी हेल्थ सेंटर का, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, ठीक है। चूँकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक जनरल सर्जन होता है, यानी सर्जरी होती है CHC पर, तो एक जनरल सर्जन होता है, अतः यहाँ पर एक एनेस्थेटिस्ट का होना जरूरी है। जब तो सर्जरी होगी, एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तभी तो उसकी सर्जरी होगी, तो वहाँ पर एनेस्थेटिस्ट का होना जरूरी है। इसे संविदा पर रखा जा सकता है अथवा सर्जरी होने की दशा में शुल्क के आधार पर बुलाया जा सकता है, ठीक है। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे क्लिनिकल सेवाएं
देना प्रस्तावित है। यानी 24 घंटे CSC ओपन रहेगी, ठीक है। अतः समस्त कार्मिकों की संख्या को बढ़ाना भी प्रस्तावित है, यानी जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। तथा कुछ नए पद भी सृजित किए गए हैं, जैसे नेत्र चिकित्सक यानी आई का डॉक्टर, दंत चिकित्सक, डेंटल डॉक्टर, नेक्स्ट आयुष विशेषज्ञ, एनेस्थेटिक तथा पब्लिक हेल्थ मैनेजर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस तथा नेत्र सहायक आदि जो पद हैं उन पे भी नए नए स्टाफ्स की वो नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। ये सारे और है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला है स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज, यानी ये मेडिकल सर्विसेज प्रदान करता है, जैसे कि स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज प्रदान करता है, जैसे कि हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, तो उनकी जांच पर करेगा, फिर उसके हिसाब से उसे डायग्नोसिस कर उसका ट्रीटमेंट प्रदान करेगा। नेक्स्ट है MCS सर्विसेज, मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जिसमें एंटीनेटल केयर, केयर ड्यूरिंग लेबर तथा पोस्टनेटल केयर प्रदान की जाती है तथा नए बच्चे के केयर प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज में वो सभी सर्विसेज आएगी जो बच्चों को टीका प्रदान करने से संबंधित होती है, साथ जानलेवा बीमारियों से रोकने का कार्य करती है। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, यानी परिवार का आकार छोटा रखने से संबंधित जो भी सर्विसेज होती है वो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज CSC पर प्रदान करती है। नेक्स्ट है एज अ फर्स्ट रेफरल यूनिट, यानी PSC के द्वारा पेशेंट को CSC में रेफरल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, सरकार के द्वारा जो विभिन्न नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका क्रियान्वयन भी CSC के द्वारा ही किया जाता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ रिलेटेड PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जितने भी कार्य हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग भी CHC के द्वारा की जाती है, यानी CSC में जो कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट, मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों के बारे में जन समुदाय को बताने का कार्य। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन जैसी सर्विसेज प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, रेफरल सर्विसेज जैसी सर्विसेज होती है, रेफरल सर्विसेज यानी आगे रेफर कर दिया जाता है पेशेंट को अच्छी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, तो ये सारी सर्विसेज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स यानी CSC पर प्रदान की जाती है। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो, प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।